सभी को मेरी तरफ से रमादान मुबारक। कुछ दिनों पहले हम लोग रमादान के लिए शॉपिंग गए थे, तो उसके ही कुछ क्लिप्स मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो एक हॉल वीडियो है, जहाँ पर हमने यहाँ से जो भी सारे रमादान स्पेशल शॉपिंग की है वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो ये जो व्लॉग है ये अगर आपको देखना है तो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। आज मैं जो भी मैंने शॉपिंग की है वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। सो एन्जॉय द वीडियो। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय रमादान ग्रॉसरी हॉल। रमादान के लिए हमने कुछ प्रिपरेशन की है, तो हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से बहुत सारे शॉपिंग की है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हमने डिस्काउंट में, अच्छे खासे डिस्काउंट में परचेज किए हैं, तो जो ऑफर्स रहेगा वो भी मैं बताती जाऊँगी। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले जो रमादान के लिए जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ है वो है ये खजूर, जो हमने मतलब डेट्स जो हमने ये वाला परचेज किया है। एक्चुअली इसका एक डब्बे में आता है, वो ऑलरेडी हमने ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, प्रीमियम डेट्स थे, तो इसीलिए ये वाला हमने परचेज किया है। ये हमने दो का पैकेट लिया है, एक्चुअली टू ऑलरेडी हमने परचेज कर लिया, क्योंकि रमादान में ना जब इफ्तार के टाइम खजूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए खजूर चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने दो पैकेट परचेज किया है। ये 500 ग्राम्स का है, रिटेल्स फॉर 223 रुपीज़। सो नेक्स्ट जो परचेज किया है वो ऑब्वियसली चाय, बिकॉज आई एम अ चाय लवर, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। और ये ब्रुक बॉन्ड का रेड लेबल नेचुरल केयर, ये पर्सनली मुझे तो अच्छा लगता है, तो ये वाला मैंने परचेस किया है। और मेरे पापा को ये वाला अच्छा लगता है, ये है टाटा टी गोल्ड, तो उन्होंने ये वाला परचेस किया है। तो इसका प्राइस है 145 रुपीस। तो सो नेक्स्ट मैंने ये पी सेफ का रीयूजेबल सैनिटरी पैड लिया है, ये आप रीयूज कर सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका ऑलरेडी मैंने एक इस्तेमाल किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो अभी दीदी ने भी कहा कि चलो ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनको भी अच्छा लगा। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, ऑर्डरलेस है और ब्रीदेबल मटीरियल है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल फील होता है। एंड ये ज़ीरो वेस्टेज है, क्योंकि ये रीयूज आप कर सकते हैं, तो इससे वेस्टेज नहीं होगा, एनवायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट इसके अंदर पावरफुल सोकिंग लेयर है, एंटी ड्रिप फ्रंट लेयर है, बटन्स है जो कि अच्छे से सील कर लेता है, एंड इजी बेंडेबल विंग्स है, एंड इसके अंदर ये एक छोटा सा पाउच टाइप्स भी मिला है, तो इसे आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला मटेरियल भी काफी अच्छा है। सो इसके अंदर फोर पैड्स आपको मिलेंगे, थ्री रेगुलर एंड वन फॉर बिगर साइज है, जो 330 mm का है, एंड जो रेगुलर है वो 280 mm का है। सो लीक प्रूफ एक पाउच भी इसके साथ मिलता है, आप इसे 12 मंथ से भी ज़्यादा टाइम इसे रीयूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट्स ग्रेट। तो ये वाला मैंने लिया है एंड काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसीलिए मैंने ये वाला फिर से लिया है दीदी के लिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये बिस्किट्स, जो वेफर्स एक्चुअली ये मैंने दो लिया है, बाय वन गेट वन ऑफर में था, इट रिटेल्स फॉर 45 रुपीज़ ओनली। पहले मैंने इसका चॉकलेट फ्लेवर ट्राई किया था, बट अभी चॉकलेट वाला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने स्ट्रॉबेरी में ही ऐसे चार लिए हैं, मतलब एक के साथ दूसरा फ्री, तो मैंने एक और ले लिया है, तो ऐसे फोर मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एंड इफ्तार के बाद ऐसे मंचिंग करने का मन करता है, तो उस टाइम हम इस तरीके से वेफर्स वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट लिटिल हर्ट्स, ये मेरी दीदी ने लिया है, इसको लिटिल हर्ट्स बहुत पसंद है, सो ये वाला। एंड मेरे लिए मैंने ये वाला लिया है, ये यूनिबिक का चोको कुकीज, चोको किस कुकीज, 20 पैक्स है इसमें, एंड इट रिटेल्स फॉर 130 रुपीस, लेकिन ये हमें बाय वन गेट वन ऑफर में मिला है, तो 130 रुपीस में हमें इस तरीके का दो पैकेट्स मिले हैं, विच इज़ आई थिंक गुड डील। तो वन बिस्किट का प्राइस लगभग 3.5 रुपये आ रहा है, सो विच इज़ गुड आई थिंक। तो ये डार्क फैंटेसी टाइप्स बिस्किट्स हैं, तो थोड़ा सा सस्ता है डार्क फैंटेसी से, बट या इट्स वेरी टेस्टी।
हमने काफ़ी सारे जूसेस लिए थे जो मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि वो सारे ऑब्वियसली फ्रिज में ही थे। तो ये रियल जूस का जो पोमेग्रेनेट फ्लेवर है ये हमने 3 लिए हैं, फिर मैंगो के 3 लिए हैं। तो इस तरीके के जूसेस, ये लीची ड्रिंक है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट, ये चिंग्स का शिजवान चटनी है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस है 80 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट हमने जलेबी मिक्स परचेज किया है, ये वाला गिफ्ट्स का, और इसके साथ ये बॉटल भी रिसीव हुआ है, मतलब ये फ्री में था, तो इससे हम लोग जलेबी बना सकते हैं। तो स्पेशली ऑनेस्टली इस बॉटल की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। तो इफ्तार के टाइम हम लोग ट्राई करते हैं घर पर ही सब कुछ बनाना, जैसे पकोड़े, फिर कुछ मिठाई, सब कुछ हमारा घर पे ही बनता है, हम बाहर से बहुत कम खरीद कर लाते हैं। अब मुझे तो अभी याद भी नहीं कब हम लोग लास्ट खरीद कर लाए, जो भी कुछ बनाना होता है घर पर ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जलेबी बना सकते हैं, और जब मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली मेरे इफ्तार व्लॉग में शेयर करूंगी। सो मेरे घर के सामने 2 डॉगीज रहते हैं जिनको मैं खाना देती हूँ हर रोज़ रात को, या सुबह भी कभी कभार दे लेती हूँ। तो उनके लिए मैं बिस्किट लाती हूँ हमेशा जब भी मैं मार्केट जाती हूँ। तो इस बार मुझे ये पार्ले मारी का ये जो बिस्किट है ना, ये मैं भी लेती हूँ, बाय द वे सिर्फ उनको ही नहीं देती हूँ, ये मैं भी ले लेती हूँ चाय के साथ। तो ये बिस्किट हमें बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर में मिला, तो हमने 3 बिस्किट्स ये वाला ले लिया है। तो इसमें मैं डॉगीज़ को भी दे सकती हूँ, मैं खुद भी ले सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने ये मिल्क बिकीज बिस्किट्स मुझे मिला, और ये बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से कौन कौन को ये वाला बिस्किट अच्छा लगता है। ये क्रीम बिस्किट है एंड बहुत अच्छा है, बचपन की याद आ जाती है इसे देखकर। एंड ये मैंने लिया है, इसका प्राइस है ओनली 40 रुपीज़। सो मुझे तो सोन पापड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने लिया है प्रभु जी का सोन पापड़ी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और मैं ये कभी भी मंचिंग करना होता है, इनफैक्ट मैं रात को भी कभी कभार इसे ले लेती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये। नेक्स्ट हमने एक डोसा बैटर मिक्स, MTR का ये डोसा बैटर मिक्स परचेज किया है, ये पहली बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी इसे ट्राई किया है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। हम तो पहली बार ट्राई करने वाले हैं तो वी डोंट नो कि ये कैसा बनेगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये अच्छा बने, बिकॉज वी लव डोसा। तो ये हम कभी इफ्तार में ट्राई करेंगे, या लेट्स सी अगर हो सके तो मैं इसका भी व्लॉग शूट करूंगी। नेक्स्ट एंड जो लास्ट है वो ये वाला है, ये रिजेंसी का कैलिफोर्निया वॉलनट्स है, ये 1 kg का पैकेट है, इसका प्राइस है 800 रुपीज़ यहाँ पर लिखा है, बट ये हमें लगभग 650 रुपये में मिल गया था। तो इसके वॉलनट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मुझे तो पर्सनली वॉलनट्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे इसका क्वालिटी भी अच्छा लगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। सो आप लोग इसका ट्राई कर सकते हैं, कैलिफोर्निया इन शेल वॉलनट्स, मतलब शेल में ही वॉलनट्स है इसके अंदर। सो या दैट कम्प्लीट्स माई रमादान शॉपिंग वीडियो। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए और इसी तरीके का वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, रमादान मुबारक, बाय।